गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आशा करूंगी कि आप सभी ठीक होंगे और हम सभी ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत दिन के बाद आज ब्लॉग में आ रही हूं, क्योंकि क्या प्रॉब्लम थी, मैं ब्लॉग में नहीं आ रही थी, कुछ मुझे दिक्कत थी इसलिए तो मैं ब्लॉग में नहीं आ रही थी। तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और आजकल फ़िलहाल शुक्ला जी काफ़ी दिनों से घर पर ही थे, तो वो खुद ही ब्लॉग बना रहे थे और मुझे शूट करने के लिए टाइम भी नहीं लग रहा था। तो अपने ऐसे सर्दियों के टाइम में तो दिन बहुत छोटे होते हैं और घर के काम में अपना टाइम ही निकल जाता है, तो मुझे शूट करने के लिए टाइम ही नहीं लगता था। तो वो थोड़ा फ्री होकर अपना इधर उधर से ब्लॉग बना लेते थे। और अभी मैं आई हूँ काउशाड में, तो आज शुक्ला जी घर पर नहीं है, वो अपने काम से कहीं बाहर गए हुए हैं। तो आज मुझे उनके जो हिस्से वाला काम है वो भी मुझे ही करना पड़ रहा है। मतलब कि जैसे जब तक मैं घास वगैरह लेके वहाँ से आती थी घासनी से, तो तब तक शुक्ला जी पानी पशुओं के लिए गर्म करके रख देते थे और हरा चारा पेड़ से निकाल के छोटा मोटा उसका कुतरा वगैरह करके काउशाड़ के मेरी काफ़ी सारी हेल्प वहाँ पे कर लेते थे, बहुत सारे काम निपटा रखते थे। तो आज मैंने खुद सारे काम करे। थोड़ा सा मैं आपको अभी बैक कैमरे से भी दिखा देती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका जो ये देखिए, ना तो मांग में सिंदूर है और ना मुंह में हमने बिंदी लगा के रखी है, क्योंकि हमारे गांव में हमारे जेठानी जी एक्सपायर हुए हैं गांव से ही, तो इसके लिए मतलब वो श्रृंगार वगैरह नहीं करते हैं, मतलब कि 15-16 दिन के लिए तो कुछ भी नहीं श्रृंगार वगैरह करते हैं, तो मैंने भी नहीं करके रखा है। तो मैं आपको थोड़ा सा अभी बैक कैमरे से भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गायों को बाहर बांध लिया था और इनको पानी वगैरह पिला के, ये देखिए अभी ये अपना यहाँ पे चारा खा रही है। और साथ में आज यहाँ पे मैंने हमाम जला के रखा है। तो ये हमारे रात भर का जो गोबर था वो मैंने एक तसले में यहाँ पे इकट्ठा कर लिया था और कीचड़ मैंने साइड में हटा लिया था, क्योंकि आजकल सर्दियों का टाइम है तो पशुओं को भी ठंड लगती है। तो मैंने जो गीला गीला कीचड़ था वो यहाँ पे साइड में हटा लिया और गोबर जो यहाँ पे वो तसले में भर के रखा था। तो आपको पता ही है कि मैं इस गोबर का क्या करूंगी, उपले बनाऊंगी और जो थोड़ा बहुत और कीचड़ है उसको फिर यहाँ से इनके नीचे से हटा लेती हूँ। किने बनना हो रही है गाई प्रतीत नहीं बनी की
ये क्या है? तो मतलब गाय को पानी पिलाने के बाद, नहलाने के बाद मैं इसको थोड़ी देर खाने के लिए दे देती हूँ, तब तक ये मतलब अच्छे से सूख भी जाएगी, और फिर मैं इनको दूसरे साइड ऊपर वाले साइड में बांध लूंगी। और तब तक मैं खुद अपने ना जो हरे चारे के लक्कड़ थे उनको इकट्ठा करती हूँ। क्या कितना है मन को, क्या कितना है तो ये है हमारे प्याज का खेत। प्याज को अभी इस साल भी कुछ अच्छा नहीं है, बहुत बिरला बिरला है, मतलब दूर दूर जिसको बोलते हैं हम लोग। और प्याज की कुछ डालियाँ मतलब ऐसे बिल्कुल बारीक जैसी, ये देखिए। और है ये है लहसुन वाले क्यारी। तो लहसुन तो हमारे काफ़ी अच्छा है, लेकिन धनिया के देखो यहाँ पे किसी चीज़ ने मतलब, या मोर हो सकता है या कोई और जीव हो सकता है जिसने ये हमारी मतलब इसकी जो धनिया की पत्तियाँ थी वो यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म कर दी है, मतलब सारी निकाल दी। तो इस साल धनिया भी बिल्कुल भी नहीं हुआ, हालांकि मतलब सब्जी में डालने के लिए भी नहीं हुआ है। तो अभी मैं और दीक्षित आए थे दोनों माँ बेटा खेत में, तो पाइप हमने यहाँ से ये जोड़ ली है, और अब यहाँ पे मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी सिंचाई। तो काफ़ी ठंड का मौसम भी है और खेत हमारा बिल्कुल सूख चुका था, ये देखिए। तो यहाँ पे पानी आ चुका है पाइप में, तो अब दीक्षित जी चला जाएंगे घर, तो मैं यहाँ पे इसको अभी भिगो लेती हूँ।